नमस्कार, मैं हूं अभिषेक और अभी हम हैं कासा कोटी चौराहे पर, जहां पर बदनलाल सरकार के खिलाफ सीपीआईएम का विरोध प्रदर्शन जारी है। ये विरोध प्रदर्शन बढ़ती महंगाई को लेकर और बिजली पानी की दरों में वृद्धि को लेकर मैं यहाँ विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। आइए जानते हैं आखिर क्या इनकी प्रमुख मांगे हैं जिनको यहाँ विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। सबसे पहले हम जानना चाहेंगे कि सर क्या कारण है कि आज विरोध प्रदर्शन आप यहाँ कर रहे हैं, क्या मांगे हैं? हाँ, देखिए मूल रूप से बात यह है कि आज जो महंगाई की हालत है उससे हर गरीब व्यक्ति, चाहे वो गाँव में रहने वाला हो या शहरों में रहने वाला हो, सभी परेशान है। तो लगातार महंगाई पे लगाम लगाई जाए सरकार के द्वारा, पहली मांग तो हमारी ये है। दूसरी बात यह है कि बेरोजगारी की परिस्थिति इतनी खराब है कि राजस्थान दूसरे नंबर पे आ रहा है बेरोजगारी के अंदर। हरियाणा पहले नंबर पे, राजस्थान दूसरे नंबर पे। ऐसी बेरोजगारी की स्थिति में ये जो सरकार है, ये जो पिछली बार राजीव गांधी युवा मित्र की योजना लाई थी सरकार, उसको बंद कर दिया गया। तो हम ये मांग करते हैं उसको चालू किया जाए। उसके अलावा दलितों पे अत्याचार, अभी कुछ दिन पहले उदयपुर की घटना हम सब जानते हैं किस तरह से एक दलित व्यक्ति को काट दिया गया। उसके अलावा लगातार बढ़ती सांप्रदायिकता और बस्तियों के अंदर नशे की समस्या है, गली गली में सिगरेट, गली गली में जो ये लगातार कच्ची शराब बिकने की बात है, हीरोइन बिकने की बात है। और उसके अलावा बेरोजगारी भत्ता बंद कर दिया गया है सरकार ने। नरेगा की जो तर्ज पे शहरी रोजगार योजना लाई गई थी उसको ही बंद कर दिया गया। तो इन सारी मुद्दों पे हम आज प्रदर्शन कर रहे हैं। और यहाँ पे कुछ महिलाएं भी हैं जिनसे भी हम जानना चाहेंगे कि वो क्या मांग रखते हैं। मैम क्या प्रमुख मांगे हैं आप? आज हमारी सबसे प्रमुख मांग ये है कि जो इतनी महंगाई बढ़ रही है राजस्थान में, हर चीज महंगी हो गई है, सब्जियों के दाम आज आसमान छू रहे हैं, दो टाइम सब्जी बनाना मुश्किल हो रहा है गरीब परिवारों में, उस महंगाई पर रोक लगाए। सरकार ने राज्य का वैट खत्म क्यों नहीं किया? अभी अभी उन्होंने बजट पेश किया, वैट खत्म नहीं किया, तो जो ना पेट्रोल के काम कम हुए, ना डीजल के कम हुए, माल ढुलाई बढ़ी है, तो हर चीज महंगी है, हम उससे बहुत परेशान है। बेरोजगारी इतनी बढ़ रही है, हर घर के अंदर आज बेरोजगार है, रोजगार नहीं है उनको करने के लिए। और न्यूनतम मजदूरी की जहां तक सवाल है, इतनी महंगाई में राजस्थान में दो साल से न्यूनतम मजदूरी भी नहीं बढ़ी, हालांकि जो है वो भी बहुत कम है। हमारी मांग है कि जो हर मजदूर है उसको 26,000 रुपए न्यूनतम मजदूरी दी जाए। और जो राशन की दुकान है, उस राशन की दुकान में केवल गेहूं नहीं, खाने का तेल, नहाने की साबुन, कपड़े धोने की साबुन जैसी जरूरी चीजें मिले। और पूरे प्रदेश के अंदर जो एक अघोषित बिजली कटौती कर रखी है, उस बिजली कटौती से बहुत परेशानी हो रही है। जब जाओ जब बिजली चली जाती है, ये कैसे बिजली कट रही है? और अभी कल ही सर चार्ज बढ़ा दिया, ये क्या है? क्यों सरकार इस तरह गरीबों के ऊपर और महंगाई थोपती जा रही है? हमारी ये लड़ाई आज से शुरू हुई है राजस्थान की भाजपा और केंद्र की भाजपा सरकार के खिलाफ, जिनकी वजह से आज देश के अंदर त्राई त्राई हो रही है। राजस्थान की सरकार जब से आई है, महिलाओं पर, दलितों पर जुर्मों की बाढ़ आई हुई है। अभी डिंपल मीना हत्याकांड हुआ है, उसके अंदर किस तरह की जांच करी है? हमारी ये भी मांग है कि उसकी सीबीआई से जांच करवाई जाए। महिलाओं पर जो जुर्म हो रहा है उसके ऊपर रोक लगे, पाबंदी लगे उसके ऊपर। और जो पानी का निजीकरण किया है, पीएचईडी का निजीकरण कर दिया, हमें शर्म आ रही है कि भाजपा सरकार ने ये आते ही क्या किया। हम ये मांग करते हैं कि निजीकरण इस तरह से रोक लगाए। सभी जो चीजें हैं जनता के रोजमर्रा के काम की, वो सरकार की जिम्मेदारी है। आज जो सरकारी क्लिनिक है उनमें हालत ये है कि बीपी की दवा नहीं है, बीपी टीबी की दवा नहीं दे रहे हैं सरकारी क्लिनिक के अंदर, किस तरह की सप्लाई हो रही है? तो ये सारी जो अव्यवस्था है इसके खिलाफ आज हमारी लड़ाई शुरुआत हुई है। और हम इस लड़ाई को गली गली मोहल्ले मोहल्ले में ले जाएंगे और भाजपा सरकार को हम रोज मांग पत्र देंगे कि ये मुद्दे देखे, जनता के मुद्दे देखे, सुने और उनका हल निकाले, इसके लिए आज हम आए हैं। देखिए किस प्रकार से जो महंगाई का मुद्दा है, बेरोजगारी का मुद्दा है, उसको लेकर यहाँ पर विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है सीपीआईएम के द्वारा। और मैं और हमारे साथ कई और युवा साथी हैं जिनसे भी हम बात करना चाहेंगे, क्या कहना चाहेंगे से? किस विरोध प्रदर्शन के चलना? विरोध प्रदर्शन महंगाई के खिलाफ, जो सांप्रदायिक बातें होती है उसके खिलाफ, जो गरीबों का शोषण हो रहा है उसके खिलाफ, नीट के पेपर जो लीक हो जाते हैं उसके खिलाफ, ये प्रदर्शन आज हम कर रहे हैं और शांतिपूर्वक कर रहे हैं।
आप देख सकते हैं किस प्रकार से रीट पेपर लीक के मामले को लेकर भी यहाँ पर विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। और कल गोविंद डोटासरा ने भी कहा था कि रीट की जाए, सीबीआई जांच भी करा ले, लेकिन देख और हमारे साथ कई हैं लोग हैं यहाँ पे जिनसे भी हम बात करना चाहेंगे। सर क्या कहना चाहेंगे आप? जो आज हमारे देश में और हमारे प्रदेश में यहाँ भजनलाल की सरकार ने अभी कल ही पर बिजली के दाम बढ़ा दिए, पानी के दाम बढ़ाने की वो बात कर रही है, सरकार को रोजगार की कोई चिंता नहीं है। इसलिए हमारा ही भारत की कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी का ये कहना है कि पूरे देश के अंदर हमारे प्रदेश के अंदर नरेगा जो कानून है उसमें 200 दिन का रोजगार सबको मिलना चाहिए। हमारी पार्टी का ये कहना है कि जो बेरोजगार लोग हैं उनको रोजगार की व्यवस्था की जानी चाहिए, जो बेरोजगारी भत्ता जो मिलता था उसको चालू किया जाना चाहिए। हमारी मांग है कि खाद्य सुरक्षा से संबंधित जो दुकानें हैं उनको सब जगह राशन मिलना, सबको राशन मिलना चाहिए, सबका राशन कार्ड बनना चाहिए। यही नहीं, हमारे प्रदेश के अंदर दिनों दिन महिलाओं पर बच्चियों पर यौन शोषण बढ़ता जा रहा है, इस पर रोक लगाई जानी चाहिए, सख्त से सख्त कानून लागू होना चाहिए। ये हमारा इस आज पूरी मांग को लेकर के पूरे राजस्थान के अंदर भारत की कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी धरने प्रदर्शन। 26,000 रुपया न्यूनतम वेतन मजदूरों को मिलना चाहिए, महंगाई भत्ता उसको मिलना चाहिए, सब मांगों को लेकर के हमारी पार्टी ये आज ये कार्यक्रम कर रही है। उसके तहत हम जयपुर में खासाकोट चौराहे पर ये कार्यक्रम कर रहे हैं और कलेक्टर को ज्ञापन मुख्यमंत्री के नाम भेजेंगे। तो ये प्रमुख मांगे थी जिनको लेकर ये धरना प्रदर्शन यहाँ चल रहा है। मैं अभिषेक, कैमरा पर्सन रमाकांत के साथ दानगरी मीडिया जयपुर।